जी आशुतोष सर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में भी आ रहे हैं धड़क में, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? दोनों नए कलाकार हैं और खासकर जाह्नवी की बात कर लें तो उनमें श्रीदेवी की कितनी झलक नज़र आई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये प्रार्थना आपसे करेंगे कि हम अक्सर नए बच्चों में हम पुराने लोगों की झलक देखना पसंद करते हैं, तो और निजता जो इंडिविजुअलिटी होती है फिर बेचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मकदार है और उनकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नज़र ना आए, जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नज़र नहीं आएंगी उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सदी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नज़र आया कि उनके अंदर जो ठहराव है या जो जुनून है या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते, अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती रहती है। अपडेट